प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद बकरीद आने वाली है और बकरीद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरीद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और बेजबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, उसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और उस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बकरीद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है, इसी तरह बकरीद मनाने पर कुर्बानी देने के पीछे एक इस्लामी वाकिया है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों से यानी के अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है, एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई यानी के आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व ताला आपसे फरमा रहा है कि ऐ इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे, इसलिए सुबह होते ही अपने ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी यानी के 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, आप अपने सबसे अजीज और प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी के अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या खाली के हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मिन्नत करने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि आए हाजरा, आप हमारे बेटे को गुस्ल करवाओ और नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे तभी शैतान आपके घर में दाखिल हुआ और आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर पर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है यानी के मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ
भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। यह सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसलिए इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ऐ शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो भी मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। जब शैतान ने देखा कि यहाँ काम बनने वाला नहीं है तो फिर हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा, ऐ इस्माइल क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। वो तुम्हें किसी दावत पर नहीं ले जा रहे हैं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ तो मेरे से बड़ा खुश नसीब कौन होगा। यह सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसलिए वो फिर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा, ऐ इब्राहिम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं, और दूसरी बात जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा, बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहाँ से भागने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ, इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में आपने अपने बेटे से फरमाया, ऐ इस्माइल क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यह सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आँखों पर एक पट्टी बांध लीजिएगा ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध ली और फिर अपने हाथ में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह अगर आप मुझे हजार इस्माइल भी दे देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटा कर उसकी जगह पर वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा जिसको हम भेड़ कहते हैं वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहिम तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों तभी से बकरईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद बकरईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में 3 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में ये 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखे कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा
खुद अपने पास रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।